चले ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में आप सभी लोग अपना वॉइस म्यूट करिएगा। कल वाला हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए यूट्यूब चैनल पे, तो आज हम दोनों अपलोड कर देंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर डियर डिस्कस किया था, और जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के लूप कंट्रोल के ऊपर भी देखा। और मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंट स्टूडेंट के लिए नोट्स जो हैं वो भी अपलोड किए हैं, महागुरु स्टडी हब पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और आज शायद आप लोगों सभी लोगों के लिए एंड्रॉइड के नोट्स भी अवेलेबल होने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को आपके BTUP सिलेबस के बिहाफ पर ही वो नोट्स मिलेंगे। तो एंड्रॉइड और इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्बेडेड रोबोटिक्स और ऑटो कैड, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इतने नोट्स अभी जल्द से जल्द ही वहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, जैसे हम लोग पर डे इसको शेयर करते हैं, तो उसमें क्या है, ओवरलैप हो जा रहा है ना। तो आप सभी लोग जो है महागुरु स्टडी हब से आप लोग ज्वाइन हुआ करें, है ना। जैसे पर डे में आप लोगों को अगर लिंक शेयर करूंगा, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। हम लोग पर डे 80-90 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जुड़ते भी हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग महागुरु स्टडी हब में नीचे, एक्चुअली में पहले हमने ऊपर एक लिंक दिया था जहाँ से आप सभी लोग जुड़ते थे, लेकिन उसको हमने थोड़ा, उसमें अपडेशन हो रहा है, चेंजअप है ना। और आप जानते हो चेंजिंग करना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, फाइन ना। तो यहाँ पे हमने नोट्स जो है वो आप लोगों को मैंने बताया था, नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं 3-4 के। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे 4 लेवल के। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर, जावा प्रोग्रामिंग, ऑफिस टूल्स, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। आज इसमें एम्बेडेड विद रोबोटिक्स और ऑटो कैड वगैरह के भी नोट्स इसमें जुड़ने वाले हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स डियर सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं और इलेक्ट्रिकल के हैं, आर्किटेक्चर के हैं, है ना, जिनके में ऑटो कैड है ऑलरेडी, तो आज एक 5 बजे इवनिंग में बैच भी स्टार्ट होने वाली हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, हैविंग 5+ ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड एंड वर्किंग ऑन डिफरेंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो वो सारी चीजें आपकी स्टार्टिंग होगी, और उसके एम्बेडेड की ऑलरेडी बैच भी चल रही है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जितने भी सब्जेक्ट टेक्निकल हैं वो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप लोगों के विद इन नोट्स, पहला हमारा एक मोटिव है कि आप सभी लोगों को अच्छे नंबर गेट हों BTUP के उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए। देन जो स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी पैनल में जुड़े हुए, मेंबरशिप लिए हुए हैं, उनके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी होते हैं, डिस्कशन फोरम भी है ना, रिजल्ट वगैरह सारी चीजें उसमें भी है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसमें ऐड भी हैं। अब कल से आप लोगों को मैंने बताया, फर्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, मतलब कोई भी कहने की जरूरत नहीं है, आप नीचे आए सबसे लास्ट में, ओके, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ ज्वाइन लाइव। तो आप लोग डियर यहाँ से क्लास को कल से ज्वाइन लाइव किया करें, क्लास लाइव लेने के लिए, क्योंकि आपको पर डे अगर बहुत सारे लोग हैं वो लिंक से नहीं आ पाते हैं, है ना, तो वहां से वो सारे लोग ऐड हो जाएंगे वहां पे, फाइन। चलिए, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों का टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि भाई कब स्टार्ट किया जाए। और मेन उसका मोटिव ही यही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा, ठीक है। तो प्लीज जो लोग उसमें है तो म्यूट कर लें अपनी वॉइस को, ER नवीन चंद्रा, है ना, नहीं तो हम यहाँ से म्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको। तो जितने भी लोग जुड़ते हैं, मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने आराम से इंजॉय के साथ पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी का अगर कोई टॉपिक है, कोई क्योरी है, पूछना है जैसे, है ना, कि सर ये वाला हमको फिर से रिवाइज कर दीजिए या समझ नहीं आया, तो आप मैसेज कर दो डियर, है ना, हम मैसेज देख लेंगे तुरंत, डोंट वरी, ओके। चलिए यहाँ पे आते हैं और इस टॉपिक को पहले समझते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई है क्या,
क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक ही लाइन लिख दी जाती है। पीएचपी पढ़ने गए वहां बोला गया भाई पीएचपी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लोग खत्म। फी फार पढ़ने गए फी फार इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। मतलब जो भी चीज हम वहां पे पढ़ने जाते हैं एक ही लाइन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इसकी स्टार्टिंग। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे आती हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर उसी को करें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक यहाँ पर पढ़े हैं वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कंफर्म किए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और एक हेडिंग अच्छी सी यहाँ पे डालते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्टकट में इसको ऊफ के नाम से जानते हैं, तो ऊफ विद जावा, फाइन। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। संदीप मेरा मोबाइल जो है उसमें फोन आ रहा, कट कर दो नहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अरे वहां रखा है सूरज ने, यही लिया उठा के। ओके सॉरी फॉर डिस्टर्ब, डोंट वरी वाइफ। नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो फोन पे लगा हुआ है ना, तो इसीलिए वाइफ से कॉलिंग की वजह से ऐसा हो गया होगा, डोंट वरी अब आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये एक फीचर। मैं इसको एक ब्रैकेट में राइट कर देता हूं जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ऊफ कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्टकट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइन। चलिए देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डियर कुछ नहीं है ये एक। अब आप सोचो कि सर मैं तो जावा पढ़ रहा था, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं ये कहां से आ गया, है ना। हम लोग तो अभी तक भाई जावा पढ़ रहे थे, तो जावा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसका एक डियर एक पार्ट है, जिसका हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है, एक मैथडोलॉजी है, तरीका है एक, है ना। एरर एरर वॉइस, मैं यहां पे एक मिनट प्रॉब्लम फॉर वाइफ क्लियर नहीं है। अच्छा वाइफ क्लियर, एक मिनट जस्ट वेट। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप सब लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी, है ना। हाँ क्योंकि थोड़ा मैंने बताया नेटवर्क इशू है, थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, डोंट वरी, फाइन। होता है कभी कभी, है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने क्या लिखा इसके बारे में, एक लाइन में राइट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज दिस, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली बात तो यही है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे सी है और सी प्लस प्लस जावा, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए कॉन्सेप्ट। सर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप उसको बताओगे कि इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए कॉन्सेप्ट ओनली, इट इज ए कॉन्सेप्ट ओनली, क्या है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ मैथडोलॉजी, इट इज ए मैथडोलॉजी, तरीका है, मैथडोलॉजी। और पैराडिज्म, पैराडिज्म मतलब विधि कहते हैं जिसको, पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने का तरीका है, पैराडिज्म जिसको बोलते हैं, ओके। इट इज अ मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी और पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैंने अभी तक ये तीन कॉन्सेप्ट यहां पे राइट किए हैं। इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कोई डियर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, इट इज ए कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं इट इज ए मैथडोलॉजी और पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक तरीका विधि है। अच्छा, दूसरी चीज, एवरी थिंग्स इंटू अ रियल वर्ल्ड, एवरी थिंग्स इंटू अ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड मीन्स हम और आप जहां पे अपना लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, दैट इज रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस प्रकार से हम आपस में बिहेवियर करते हैं एक दूसरे के साथ में, ऐसा ही कुछ बिहेवियर कंप्यूटर के साथ में कंपाइलर का है, इंटरप्रेटर का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते। क्यों क्यों? क्योंकि अगर आप डियर अपने रिज्यूम पर मेंशन करते हैं आई हैविंग गुड कमांड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आज आप डालिए, आप देखिए, यू हैविंग फाइंड अ मल्टीपल जॉब, मल्टीपल जॉब यू कैन फाइंड, यू कैन सर्च ऑन गूगल। क्यों? क्योंकि अगर आप मेंशन करते हो आई हैविंग गुड कमांड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स यू हैविंग नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन रिजॉल्व आर प्रॉब्लम रिलेटेड टू जावा, सी शार्प, पीएचपी, पाइथन एक्स्ट्रा, राइट। इस टाइप से सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आपको नॉलेज है। तो ये क्या है, ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक तरीका है, प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये थ्री स्टेप लिखे और भी मैं राइट कर रहा हूं, एवरी थिंग्स, एवरी थिंग्स इज डिपेंड्स, एवरी थिंग्स ऐसे लिख सकते हैं, एवरी थिंग्स इज एन ऑब्जेक्ट इनटू अ रियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन टू अ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आप कहें तो हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। बिकॉज आप कैसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट है, हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जो है वो डियर रियल वर्ल्ड पे डिपेंड है। अच्छा, दुनिया में हर एक चीज ऑब्जेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी बोला जाता है कि आप किसी ह्यूमन को बताओ कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में डियर दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज स्टेट एंड सेकंड इज बिहेवियर। आपने बुकों में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एग्जांपल, डॉग है, कैट है, टीवी है, डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर बताया कि एवरी थिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन टू अ रियल वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव टू थिंग्स, ऑब्जेक्ट हैव टू थिंग्स, व्हाट, स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट एंड बिहेवियर। अच्छा, मैं आपको बताऊं एग्जांपल देकर कि अगर आपसे कोई कहे कि कोई एक लैपटॉप है थोड़ी देर के लिए,
लैपटॉप है। और आप क्योंकि आपने कहा अभी कि सर दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब हर एक चीज भाई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। और अगर जिस चीज के भी दो चीजें मिलती हैं, स्टेट और बिहेवियर, तो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट में आता है। कैसे? देखिए, स्टेट का मतलब, लैपटॉप का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, स्टेट का मतलब ये हुआ कि इसे किस कंपनी का बना हुआ है, किस स्टेट का, लाइक एचपी का है, लेनेवो का है, एसर का है, डेल का है, ठीक है, सोनी का है, सैमसंग का है, किसका है, दैट इज स्टेट। एंड व्हाट इज बिहेवियर, हम इससे कोडिंग कर सकते हैं, हम इससे फिल्म देख सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं, एवरी थिंग्स वी कैन डन बाई यूजिंग लैपटॉप, दैट इज बिहेवियर ऑफ लैपटॉप, दिस इज द बिहेवियर ऑफ लैपटॉप, सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ऐसे कोई कहे कि आपसे कोई ह्यूमन है, वो कैसे ऑब्जेक्ट है, तो आप बताओगे, जैसे नहीं कहते हो कि भाई स्टेट का मतलब वो छोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, दैट इज द स्टेट बिहेवियर। जैसे आप कहते हैं यार उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, यार नहीं, आपने कहा उसका बिहेवियर बहुत खराब आदमी, भाई ये उसका क्या बिहेवियर, इसलिए ह्यूमन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड, ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी और रामायण भागवत नहीं सुना रहा हूँ, ये आप रियल एग्जाम्पल अगर आपसे इंटरव्यू तक में भी पूछता है तब भी आप ये प्रूफ करके वहां बता सकते हैं, है ना, कि ये चीज है। ऐसे आपको मैंने बताया, कोई भी ले लो, आप मोबाइल ले लो, है ना, आप प्रोजेक्टर ले लो, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगा, माउस ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप, मैंने आपको बताया हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट के अंडर में आती है। अब डियर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने फीचर बना रखे, फीचर का मतलब है इसके पिलर है, कॉलम, स्तंभ है ना, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या है, उन सारे फीचर्स में ही कैटेगरी की गई, उन्हें समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, उन्हीं में से सारे आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज हम जड़ से खत्म करते हैं और आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूँ, तो आप सभी लोग रेडी हो जाओ अच्छे से, है ना। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, पहले तो एक मैंने एक ये डर और खौफ आपसे माइंड से निकाला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या भाई, कुछ नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक मेथडोलॉजी है, मतलब पैराडिज्म है, तरीका, विधि कह सकते हैं आप, प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। इवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिपेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क अकॉर्डिंग टू आर रियल वर्ल्ड, एंड रियल वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज आर रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट हैविंग टू थिंग्स, स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक है, एंड एवरी थिंग्स इन टू आर रियल वर्ल्ड हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर, हर एक चीज दुनिया में आप देखते हैं उसके अंदर स्टेट और बिहेवियर आपको मिलेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया अभी आपको, जैसे फैन है, आपसे कोई कहे फैन भैया कैसे ऑब्जेक्ट है, तो आप बताओगे कि भाई फैन क्या स्टेट क्या है, मतलब किस कंपनी ने उसको प्रोडक्ट बनाया, उफा ने बनाया, बजाज ने बनाया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिलेंगी, बिहेवियर उसका क्या है, वो हमको हवा देता है, क्या देता है, हवा देता है ना। पैराडिज्म का मतलब होता है विधि, मतलब तरीका, मैथडोलॉजी आर पैराडिम, दैट इज द सिनोनिम ऑफ मैथडोलॉजी, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए इसके फीचर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फीचर ही आपके पूछे, इसके फीचर ही आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आए, मैंने लिखा, राइट किया, अब फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स, सो व्हाट इज फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको मैं यहां पर बता देता हूं, देर आर डिफरेंट फीचर, देर आर मैनी फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देर आर मैनी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग इसको ब्रीफली देखते हैं, आप देखिए मैंने यहां पर एक हेडिंग राइट की, फीचर्स, मैंने यहां पर एक हेडिंग राइट की, क्या राइट किया, फीचर्स,
क्या राइट क्या फीचर्स, ठीक है। अब यहां पे आए तो फीचर्स के बाद में यहां मैंने लिखा व्हाट इज द फीचर नंबर वन, नंबर वन क्लास, नंबर वन व्हाट इज द फीचर क्लास, ठीक है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिस इज द फीचर राइट ना, एंड आफ्टर दैट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। आफ्टर दैट पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। और देखिए होते बहुत सारे लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे, इनकैप्सुलेशन जो आपके सिलेबस में है, इनकैप्सुलेशन। और डेटा अब्स्ट्रैक्शन, इसको ऊपर ही कर देता हूं, ये ऊपर मौज करे और यहां डेटा अब्स्ट्रैक्शन लगा देता हूं। और एक होता मैसेज पासिंग, टोटल सेवन होते हैं लेकिन ये सिक्स आपके में अब्स्ट्रैक्शन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन और आल्सो इट इज नोन एज ए डेटा हाइडिंग। तो डियर आपको मैंने ये जो लिख के दिए है ना, ये इसके फीचर है और इसके भी यहाँ पे कैटेगरी की गई, ऑब्जेक्ट के इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज द फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर, देर आर टोटल सेवन फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट हियर वी डिफाइन ओनली सिक्स फीचर्स। फर्स्ट इज द क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। इनमें भी कैटेगरी की गई, देखिए इनमें भी कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे आए और यहाँ पे राइट करने के लिए क्लास के और उसके तो आपके सारे टाइप बना दिए है ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, वी राइट द अदर क्लास, फाइन, लेवल इज आल्सो चेंज, सो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ओके। आफ्टर दैट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, अभी मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा, डोंट वरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया था डियर जावा इज वेरी वाइड ब्रॉड टेक्नोलॉजी राइट, मीन्स आप इसको समुद्र समझिए, ये कभी खत्म नहीं होगी। पहली बार टेक्नोलॉजी तो कोई नहीं खत्म होगी, लेकिन जावा की कोडिंग थोड़ी सी मतलब ज्यादा होती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा। तो इसमें आपको सारी चीजों को समझने के लिए बहुत ही टाइम चाहिए होता है। मैंने आपको बताया कि आप देखिए जो आपके हाईटेक सिटी हैं डियर, लाइक एज हैदराबाद है, चेन्नई है, आपके इंडिया में चार हाईटेक सिटी है, लखनऊ इज नॉट हाईटेक सिटी, फाइन है ना। तो गुड़गांव नंबर वन हाईटेक सिटी, हैदराबाद हाईटेक सिटी, चेन्नई हाईटेक सिटी है और आपका बेंगलोर हाईटेक सिटी, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के हाँ हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन्हीं में से बने हुए हैं है ना, लेकिन मेन तीन है, इन्हीं में से उनको बनाया गया है। वो आपको मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, डोंट वरी, वो मैंने शायद नोट्स उसमें दिए हैं तो उसमें शायद वो लिखे भी हों, चेक करना पड़ेगा एक बार में। तो ये सारी चीजें मैंने राइट की, आप नोट्स पढ़िए वहां पे है ना, महागुरु स्टडी हब पे जाकर उनके नोट्स बना भी लो, लिख लो एक एक पॉइंट उसके। तो ये आपके मल्टी मतलब तीन ही होते, बाकी हाइब्रिड है, स्टार है, ये सारे मतलब जो बनेंगे वो इन्हीं से मिलकर बनेंगे। अब देखिए डियर यहाँ पे आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको डियर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं,
क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है भाई गुरु, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवर राइडिंग, कभी कभी नाम नहीं लेगा लेकिन आपसे वो पूछ रहा पॉलीमॉर्फिज्म, आपसे पूछ दिया व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग व्हाट इज मेथड ओवर राइडिंग। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी और प्लस आपके एग्जाम में भी पूछता, अंदर के अंदर टॉपिक पूछ लेगा आपका, है ना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है बताइए भाई, उसने मेथड ओवरराइडिंग क्या है ना, इंटरफेस क्या है, अभी आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस उसके अंदर आपको मिलेगा ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है, तो नहीं सपोर्टेड है तो ये इंटरफेस इसके अंदर यूज किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया व्हाट इज इंटरफेस, इसका मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस पूछ रहा है ना, तो आप उसके गहराई तक पहुंचोगे तभी तो चीजें कोई भी पूछी जाए तो आप बता सकते हैं ना। दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। अगर डियर आपने प्रैक्टिकल चीजें की होंगी तो आपको पता है, आपको अगर थ्योरी नहीं भी रटी होगी तो आप अपने लेवल से लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, यार हिंदी इंग्लिश जैसे लिखते हैं डिप्लोमा में वैसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश लिखें, लेकिन इंग्लिश लिखोगे सही थोड़े से तो और परफेक्ट चीजें, अच्छी बात है ना। तो वहां पे आपको प्रयास करना है कि हम उसी में राइट करें, नहीं तो आप जानते हो वही अपनी लैंग्वेज कंप्यूटर इंग्लिश में लिखा एक डिवाइस है, ऐसे भी लिख सकते हैं तब भी नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। मेथड ओवरलोडिंग दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, एंड सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मैथड ओवर राइड, सो दिस इज द मैथड ओवरलोडिंग एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद मैथड ओवरलोडिंग। तो देखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डियर दो टाइप का हो गया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज मैथड ओवरलोडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नोन एज मैथड ओवर राइड। ये आपको ऐसे मिलेगा नहीं है, मैं आपको राइट लेस डू मोर, जैसे जे क्यूरी की पंच लाइन है ना कि थोड़ा लिखो ज्यादा काम हो, ऐसे ही हमारे पास में, क्योंकि आप जानते हो इतना टाइम तो नहीं है डियर कि मैं आप लोगों को वहां पर बहुत ही ब्रीफली, अब आप सोच लीजिए कि 3-4 महीने आप पढ़ोगे, 5-6 महीने भी पढ़ते हैं लोग, वो भी एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। आप 30-40 डेज में जो लोग पढ़ते हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो डिफरेंस तो होता ही है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फोकस प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरी का भी ध्यान रखना है, ताकि कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों से स्किप भी ना हो, प्रयास किया जाए। तो ये जो हम लोगों ने आर्किटेक्चर क्रिएट किया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको अगर आप बेहतर ढंग से समझ लें तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा पूरा पार्ट ही खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अगर आप इसको अच्छे से बेहतर समझ लें तो आप समझ लीजिए पूरा पूरा आपका पार्ट ही खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें देखिए डियर, एक के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, क्लास पढ़ोगे तो क्लास में आपको चीजें उसमें भी पूछ सकता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लास, फाइन, ये सारी चीजें आपको वहां पर पूछी जा सकती। तो एक के पार्ट के अंदर पार्ट बने हुए, एक पार्ट के अंदर पार्ट बने, ठीक है। तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा एक एक फीचर को डिफाइन करते हुए भी चलते हैं शॉर्टकट में, और उसके प्रोग्राम भी हम लोग एक एक एग्जांपल भी क्रिएट करेंगे। चलिए यहां पे आए, पहले हमने आपको बताया कि टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर नथिंग, इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए कॉन्सेप्ट, इट इज ए मैथडोलॉजी और पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछता तो आप बताओ सर कुछ नहीं है ये, सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है, विधि है। ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप उनकी यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता सकते हो, जैसे माना हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने राइट करके दे दिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछ लेता कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी हैं, तो आप वहाँ पे बता सकें, जैसे जावा है, सी शार्प है, पीएचपी है, पाइथन है ना। तो
ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डियर हैं वो कैसी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप सारी चीजें बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आप ये कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के बाद में सी प्लस प्लस बनी थी, तो सी प्लस प्लस से आपका इसका जन्म हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सी प्लस प्लस को कहा जाता है इट इज अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पार्शियल का मतलब अर्धपूर्ण। हाँ, वाई यूज इन प्रोग्राम मीन्स ये एक तरीका है ना प्रोग्रामिंग में, हम प्रोग्राम में थोड़ी ना यूज करते हैं, हम इसको जो है वहां पे एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका, आधारशिला बना दी गई इसकी कि आप इसे रूल डिफाइन कर दिए गए इसमें कि आप प्रोग्रामिंग अगर करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डियर, तो आपको क्लास बनानी होगी, है ना, आपको ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, इनहेरिटेंस बनेगा। तो जितनी भी लैंग्वेज होंगी, आप चाहे पीएचपी पढ़े, अगर उसमें भी क्लास बनाओगे तो उसमें भी क्लास कीवर्ड यूज होगा, आप पाइथन पढ़ोगे उसमें भी क्लास कीवर्ड यूज होगा, लेकिन जो अंदर लॉजिक है वो बदल जाएंगे। तो समझ लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखा ना, तो प्रोग्राम अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनेंगे। ये क्या है, एक तरीका दे दिया आपको कि भाई क्लासें हैं हमारे अंदर, इतनी इतनी चीजें हैं, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें तो उसके अंदर आपको हमारे कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, बदलेंगे नहीं हम, बस आप लैंग्वेज जितनी आप हमें सपोर्ट करती हैं आप अपने तरीके से इसको प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर। तो देखिए, ये हमने आपको जो फीचर यहाँ पर राइट किए हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, ये यो राज बहुत भाई कमाल कमाल के नाम है। चलिए, यहाँ पे आए क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, और जैसे आपने देखा होगा शाम की बैच में एक लड़का है, क्या नाम है यार, हाँ गब्बर सिंह है, गब्बर यादव है। तो हमने कहा भाई, मतलब आईडी आप लोग भी कमाल कमाल की बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़का था और उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था, तो उसने आईडी और पासवर्ड उसने बनाया उसमें नहीं, bomb@gmail.com और पासवर्ड बारूद। तो कहा कि सर हम इसको भूलते नहीं है सर, इसीलिए बना दिया। मैंने कहा बहुत सही, और कोई नाम ही नहीं मिला आपको, है ना। तो आप लोग भी क्रिएटिव कम थोड़ी ना है भाई, नहीं कहो कि जावा का दूसरा आप एडिशन क्रिएट कर दें भाई, जावा जेम्स गोसलिंग के द्वारा नहीं, आप लोगों द्वारा क्रिएट की जा सकती, इसीलिए एक वो टैग लाइन भी है उनकी, बिल गेट्स की, बिल्लू भाई, इसमें बहुत ज्यादा ही जख्म में है वो, है ना। तो आपने देखा होगा कि रीजन क्या है, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं इंडिया से सबसे ज्यादा डेवलपरों की हायरिंग ना करूं, उनसे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि सर आप सबसे ज्यादा डेवलपर जो है इंडिया से क्यों लेते हैं, तो कहा था कि अगर मैं इंडिया से हायरिंग ना करूं तो इंडिया में एक दूसरी माइक्रोसॉफ्ट बन सकती है ना, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। कि आपने देखा होगा गूगल जैसे वहां पे सारी चीजें सुंदर पिचई है ना, विद आल्सो बिलोंग्स टू इंडिया, वो भी अपने इंडिया से हैं, और जितने भी आपके कंपनीज के सीईओ हैं या उच्च पद पर जितने भी लोग हैं वो अपने यहाँ से हैं। तो आप सभी लोग अपना अभी से एक जो फॉर्मेट है वर्किंग का, उसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है डियर, अपकमिंग आने वाले जो डेज हैं वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर की दुनिया में उभरते हुए आप सभी लोग समझ लो सितारे हैं, अगर आप अपने आप को देखें। और लेकिन एक चीज और है कि अगर आपने अभिमन्यु वाला नॉलेज लिया, अभिमन्यु का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ लोग समझ रहे होंगे, जैसे अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लोगे तो वो किसी भी काम का नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक टास्क बना लिया पीएचपी पे थोड़ा सा और माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी वगैरह थोड़ी थोड़ी कर ली, और उसके बाद में और तुरंत भाग गए एंड्रॉइड पर, या तुरंत भाग गए पाइथन के ऊपर, या डेटा साइंस फॉर मशीन लर्निंग। भैया आपको सी आने रहे, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और उसके ये करना चाह रहे हो आप मुझे बताओ, स्टेप स्टेप चढ़िए आप। अगर मुझे छत के ऊपर जाना है तो क्या मैं डायरेक्ट जंप मार के ऊपर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। तो आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी स्किल अच्छी करिए, है ना, उसके बाद में आप कम से कम एक साल तक
मतलब कम से कम जो आपका जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें सेकंड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर वालों के पास तो टाइम ही नहीं लगभग समझ लो है आपको। उसके बाद में एक इन अभी तक पिछली बार भी आपका कोविड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी है ना, फिर आपसे प्रोजेक्ट है। और देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी और ये चीजें आप लोगों से जरूर मांगी जाएंगी। उस समय क्या करते हैं बहुत सारे लोग, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,800 रुपये, 1,500 रुपये, जौन जहां जैसे ठग गया है ना, वैसे उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिए। अब उससे आपका डियर डबल लॉस है। आप सोचिए पैसे से आप नॉलेज नहीं खरीद सकते, पैसे से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं बट नॉलेज नहीं ले सकते। हाउ यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट फॉर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप प्रोजेक्ट आपने लिया, फॉर्मेलिटी अदा कर दी और आपने वहां पे जमा कर दिया कॉलेज में, आपको नंबर भी मिल गए। लेकिन जब आईटी सेक्टर में आए, आपने लिखा भैया आपके डिप्लोमा कर रहे थे, आप बीटेक कर रहे थे, अच्छा आपके हर सेमेस्टर में जावा भी था, पीएचपी भी था, पाइथन भी था, एंड्रॉइड भी था, इसका मतलब आपने अच्छा कमांड किया होगा, किसी एक टेक्नोलॉजी पर तो किया ही होगा। अब वहां पे हाँ सर हमने प्रोजेक्ट भी जमा किया सर, जो ट्रेनिंग में, किस पे किया था सर, हमने जैंगो पे किया था सर, हमने एंड्रॉइड बनाया, पीएचपी पे बनाया था, तमाम अपनी टेक्नोलॉजी बताएं। ओके तो आपने उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट किया होगा खुद से, हाँ सर, वहां पर थोड़ी ना बोल सकते ये सिचुएशन थी। अब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बस वहां पे धुआं छोड़ गए। तो ये हम हर साल, क्योंकि आपको पता हमारे तरफ से तो हम लोग अपने अप्रेंटिसशिप में ज्यादा बच्चे ने 100 बच्चे लेते हैं हर बार में, जिसमें कि आपने देखा होगा इस बार भी अपना लखनऊ का सबसे नंबर 1 प्लेसमेंट रहा है ना। और अगर कोविड ना होता तो मोस्टली आप कह सकते थे 100% फिर जाता और जाएगा भी, क्योंकि जो बच्चे बचे भी हैं तो अपकमिंग में जैसे ही कोविड ओवर होगा तो आपने देखा होगा जो बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई या बहुत सारे लोग चले गए, जो कंपनी है वो क्या करेंगी, बहुत तगड़े से हायरिंग करेंगे फिर से, तो वो सब लोग निकल जाएंगे है ना। और बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और पिछले इससे पहले भी। तो आपको पता है डियर, बोलने में और चीजों को करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप एक्सपीरियंसदार और अगर आप अपनी सारी चीजों को वेल मेंटेन प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो बताने से उससे कोई मतलब नहीं। हमारा एक मोटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डियर आप अगर क्वालिटी बेटर दोगे तो क्वांटिटी की टेंशन मत करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर बार एडवर्टीज होते हैं कि मैंने आपसे गवर्नमेंट से जियो करा लिया है ना, हमने ये चीजें प्रोवाइड कर दी, ऐसी चीजें हमारे पास में आ रही हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप लोगों ने देखा होगा अपने बार में, जितने सन 2019 में 20 में तो हुई नहीं, 20 में ऑफलाइन ट्रेनिंग हम लोगों के यहाँ सबसे नंबर 1 हुई। अप्रेंटिसशिप सन 2020 में हुई, अपने इतना बच्चा किसी के पास में नहीं रहा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इस टाइम आपने देखा होगा मॉर्निंग से इवनिंग तक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और उसके बाद सीएफ, आईटी, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक डिप्लोमा, बीटेक, मुझे लगता है किसी के पास में इतने बच्चे ऐसे नहीं कर रहे। हर बैच लगभग में 70, 80, 90 ऐसे चलता है। तो आप सब लोगों के लिए जो चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं डियर, और एक चीज और देखो होगा आप लोगों ने, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए मैंने पिछली बार स्टार्ट भी की थी ट्रेनिंग, नहीं तो बहुत सारे लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 99 रुपये जोन जैसे कह रहा था, ऐसे पैसे भी लेना स्टार्ट किया। हमने ही मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अब आपने देखा होगा हर कोई बोल रहा है अरे हमारे यहाँ ये करिए वो हो जाएगा आपका। इस बार भी हम लोगों ने यही किया है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, ऑफलाइन हमने उनकी ट्रेनिंग भी की थी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया था। जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उन्होंने की कोई पैसा नहीं, केवल उन्होंने अपना इनरोलमेंट कराया था और उसके बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग करने आए, उनकी जितनी भी फीस थी 3,000, 3,500, 4,000 जितनी जिसकी, उसके उतने 1,000 उन्होंने जमा किए या 500 रुपये जमा किए, तो उनकी टोटल फीस में हमने कम भी कर दिया था। अब आप सोचिए ऑनलाइन तो उन्होंने फ्री सीखी ना। इस टाइम क्या है, बहुत सारे लोग आपको कॉल करके बोले भाई मैं मेरे यहाँ ऑनलाइन फीस 1,500 रुपये है, 1,000 रुपये, इतने में ट्रेनिंग करा दूंगा मैं। भैया मैं आप लोगों को मेंबरशिप में फ्री मिनी प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। अब आप सोचिए ऑफलाइन में आओगे तो आप लोगों के पास में सारी, और प्लस आपके सिलेबस, सबसे बड़ी बात है मैं आपका सिलेबस डियर, नोट्स ये कहाँ मिलेंगे आपको बताइए, कॉलेज वाला काम मैं आपका खुद ही करवा रहा हूँ।
लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। अगर आप डियर यहाँ पर, हाँ उसमें सी एस सेकेंड ईयर वालों के लिए क्लासेस जो हैं वो इसमें चलती तो हैं, सी प्रोग्रामिंग है आप लोगों में, वेब टेक्नोलॉजी की आपकी जो क्लास है उसमें चालू होगी, उसमें भी आप लोगों में वेब टेक है ना, और बाकी मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ऑफिस टूल, सी प्रोग्रामिंग, उसके नोट्स आप लोगों को भी मिलते रहेंगे यहाँ पे, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। ओएस का भी बन रहा है डियर शिवम, और ओएस के भी नोट्स आप लोगों को वहाँ पे मिल, जो अभी हैं पेंडिंग, क्योंकि आपको पता बहुत जल्दी थोड़ी चीजें देखनी भी पड़ती है ना, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए मिल जाएगा, डोंट वरी, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक के ऊपर, और यहाँ एक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास क्या है। देखिए पहले, अभी आप लोग पहले से नंबर एक से क्लास बनाते समझ लीजिए आ रहे हैं, प्रोग्राम जावा का स्टार्ट ही समझ लो क्लास से होता है। ठीक है, डीबीएमएस के नोट्स मिलेगा भैया, डीबीएमएफ भी मिलेगा, डीबीएमएफ के और एंड्रॉइड के, हो सकता है आज शाम को ही अपलोड हो जाए, एंड्रॉइड के और डीबीएमएफ के, तो आज शाम को ही 60 नोट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो और हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट, मैं देख रहा हूँ सिलेबस आपके, आप सभी लोगों का हमारे पास में है, डोंट वरी। ठीक है, तो आप उसमें वेबसाइटों को आप विजिट करते रहा करिए, पता नहीं कब कहाँ पे अपडेट हो जाए, तो मिलता रहेगा। कल हमने आपको बताया महागुरु स्टडी हब को, नीचे फुटर से आप लोगों की क्लास ज्वाइन होगी, आप सब लोगों को इन्फॉर्म भी कर दें। ओके, और ये दूसरा वीक है, तो आप लोग प्रयास करो यार, कम से कम 14 डेज तो आपके होने जा रहे हैं, इस वीक में आप लोग मोस्टली मोस्टली चीजें। सोनू केसरवानी, इसी के लिए भी क्लास चलती है, हाँ इसी के लिए मॉर्निंग में 10 बजे क्लास चलती है, एम्बेडेड रोबोटिक्स पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन लोगों की क्लास शाम को 5 बजे से, तो आप 5 बजे से क्लास जो आपके जानने वाले हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वेबसाइट से ही लिंक हो गया। ठीक है, चले यहाँ पे आया, मैंने लिखा क्लास मॉर्निंग 10 o'clock, सेम यही रहेगा, इसी से लिंक करिए, ज्वाइन हो। क्लास क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्लास इज यूजर डिफाइंड, है डीएमएफ, डीबीएमएफ, डीबीएमएफ हमने अभी बताया यार, देखो उसमें चैट पढ़ो भाई, डोंट मेक नॉइस एक्स्ट्रा, राइट। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे हमने आपको बताया था डियर, डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन, जैसे जिनको फंडामेंटल कहते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारी चीजें, और उसके बाद में क्लास और ये इंटरफेस वगैरह कैसे होते हैं, बिल्ट मतलब यूजर डिफाइंड, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए इट इज ऑल्सो अ कंटेनर, इट इज ऑल्सो कंटेनर, इसको कंटेनर भी कहते हैं। ठीक है, क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज ऑल्सो अ कंटेनर, इसको कंटेनर भी कहते हैं। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट डिफिनेशन कोई भी याद रखिए, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, मतलब फंक्शन या मेथड्स और फंक्शन, एंड डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज, ऐसे कह। ठीक है, अच्छा इसका सिंटेक्स क्या है, देखिए आप जब भी कोई हम लोग क्रिएट करते हैं सिंटेक्स ऑफ क्लास, सिंटेक्स ऑफ क्लास का मतलब, इफ यू वांट टू क्रिएट ए क्लास, इफ यू वांट टू क्रिएट ए क्लास देन वी यूज द क्लास कीवर्ड, किसका कीवर्ड का यूज किया जाएगा डियर, क्लास कीवर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे समझ लो जावा को मेन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही पढ़ना चाहिए स्टार्ट से, है
है ना, टॉपिक मेन मेन, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास और क्लास का नेम, क्लास का, और इसके अंदर आपको जो डियर यहाँ राइट करना है वो यहाँ पे क्या राइट करना है, डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेथड्स, ठीक है। पर अभी क्लास का शेड्यूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्लास चलेगी भैया, अगर कोई आपको जल्दी हो, दिक्कत हो तो आप चले जा सकते हैं, अपने टाइम तक तो चलेगी क्लास। क्लास डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेथड्स एंड डेटा मेथड्स, ठीक है। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा मेथड, यही मैंने आपको भी राइट किया था। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर मतलब फंक्शन वगैरह बनेंगे और मेथड वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका डियर यहाँ पर है, ये है सेंटेंस। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल राइट किया, एग्जांपल क्या लिखा मैंने, क्लास इन्फो क्लास, माना हमने सर यहाँ पर इन्फो क्लास डिफाइन कर दिया। इसके अंदर आप कोई भी वही डेटा मेंबर या डेटा मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्लास 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 नेम इन्फो स्टूडेंट, आप ट्राई करें कि क्लास का नाम वही जैसे किसी क्लास ऑलरेडी बनी बनाई हो, या उसका नाम का कोई भी मेथड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ओके तो क्लास और क्लास का नेम यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके अंदर आपको पता है डियर बहुत सारे डेटा मेंबर और बहुत सारे आपका डेटा मेथड बनेंगे, लेकिन आपको पता है मेंबर तो हमें पता है वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी मेथड खुद के बनाना नहीं सीखा है, यूजर डिफाइंड मेथड वगैरह कैसे बनाते। तो एक दो मेथड के तरीके यहाँ पे हमको आना चाहिए, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो कल हम लोग जो है क्लास के अंदर जो प्रोग्राम है, जैसे टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करेंगे, लाइक एज क्लास का स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें यूज, कौन से कीवर्ड यूज किए जाते हैं क्लास के अंदर डेटा मेंबर डेटा मेथड के स्कोप को डिफाइन करने के लिए, राइट। After that, we discuss about our constructor and type of constructor, fine, and how we can create a user-defined method. So these are all important topic, right? User-defined method and constructor, how many type of constructor and data member of class. So ये आपके जो यहाँ पर topic हैं, वो आपके important topic हैं। ठीक है, इनमें से आप लोगों को कोई भी क्लास जो आपने ली है, हाँ क्लास का नाम का फर्स्ट लेटर नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो आप कैपिटल और स्मॉल दे सकते हैं, वैसे कैपिटल ही देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कि जावा में जो कोई क्लास होती है डियर, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं स्मॉल और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर ही देना चाहिए, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड क्लास है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो मैंने राइट किया है, आप सभी लोग ये नोट्स जो है ये आपको हमारे उसमें जावा वाला जो नोट्स उसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर वगैरह आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप चाहो तो इतने पार्ट की स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, इतना, बाकी आप लोगों को अभी ये वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी, और दोनों वीडियो हम अपलोड कर देंगे आप कल का और आज का, दोनों वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखता हूं, और बाकी कल की भी क्लास आप सभी लोग मिस ना करें, और प्रॉपर क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी। बाकी आप लोगों को कोई डाउट प्रॉब्लम या कुछ आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके डियर, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। उसका चैनल मेकाट्रिस टेक्नोलॉजी के नाम से है डियर, आप उस पे जाओगे यूट्यूब चैनल पर तो मेकाट्रिस टेक्नोलॉजी सर्च करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा।